नमस्कार अभिभाव जी, आज मैं मध्य की संख्या का ज्ञान करा रही हूँ। आपसे निवेदन रहेगा कि आप भी बालकों को मध्य की संख्या का ज्ञान कराएं। मध्य की संख्या, इसमें आपको क्या करना है, आगे भी संख्या लिखी हुई, पीछे भी संख्या लिखी हुई है, इस बीच में जो संख्या आने वाली है उसको हमको लिखना है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आगे के अंक का ज्ञान करना पड़ेगा। जैसे लिखा हुआ है दो, दो के बाद में क्या आता है, दो तीन, तीन। जब बाद की संख्या का ज्ञान हो जाएगा तो उसको मध्य की संख्या अच्छे से आ जाएगी। ग्यारह, ग्यारह के बाद क्या आता है, दो तीन चार, ग्यारह बारह तेरह चौबीस, चौबीस के बाद पच्चीस छब्बीस सैंतीस, लिखा है सैंतीस, सैंतीस के बाद अड़तीस, सैंतीस अड़तीस उनचालीस तैतालीस, तैतालीस तैतालीस के बाद चौवालीस पैतालीस पचपन, पचपन छप्पन, पचपन के बाद आता है छप्पन, छप्पन छप्पन सड़सठ, सड़सठ अड़सठ, पचहत्तर पचहत्तर छिहत्तर सतहत्तर उन्नबे उन्नबे नब्बे उन्नबे नब्बे इक्यानबे अठानवे, अठानवे के बाद निन्यानवे, ये सौ। दो, दो के बाद आता है तीन, ग्यारह, ग्यारह के बाद बारह, चौबीस, चौबीस के बाद पच्चीस, सैंतीस, सैंतीस के बाद अड़तीस, पैंतालीस, पैंतालीस के बाद चौवालीस, पचपन, पचपन के बाद छप्पन, सत्तावन, सत्तावन के बाद सड़सठ, सड़सठ के बाद अड़सठ, पचहत्तर, पचहत्तर के बाद छिहत्तर, उन्नबे, उन्नबे के बाद नब्बे, इक्यानवे, इक्यानवे के बाद निन्यानवे। बाद की संख्या का ज्ञान हो जाएगा ना तो वे बीच की संख्या भी आ जाएगी। अब पूछ सकते हैं बालकों को अंकों का ज्ञान करवाने के लिए, दो और चार के बीच क्या आता है, तीन, ग्यारह और तेरह, तेरह के बीच में कौन सी संख्या आती है, बारह, चौबीस, छब्बीस, इन दोनों के बीच में क्या आता है, पच्चीस, सैंतीस, उनचालीस, उनचालीस, सैंतीस, उनचालीस के बीच क्या आता है, अड़तीस, तैतालीस, पैंतालीस, इन दोनों के बीच में क्या आता है, चौवालीस, पचपन, सत्तावन, पचपन सत्तावन के बीच क्या आता है, छप्पन, और उनहत्तर के बीच में क्या आता है, अड़सठ, तिहत्तर, सतहत्तर, तिहत्तर और सतहत्तर के बीच क्या आता है, छिहत्तर, उन्नबे और इक्यानवे, उन्नबे और इक्यानवे के बीच में क्या आता है, नब्बे, इक्यानवे और सौ, इन दोनों के बीच क्या आता है, निन्यानवे, दो तीन चार, ग्यारह बारह तेरह चौबीस पच्चीस।